जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो आज जो है मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। शाम का टाइम है क्योंकि दिन को बच्चे स्कूल गए हुए थे। वैसे मैं तो मैं सोच रही थी ठीक है सुबह को जाऊँगी, तो बच्चे स्कूल गए थे, अभी अभी वापस आए हैं। तो काफ़ी दिनों से जो है ना सानिया और अंबर जिद कर रही है कि बच्चों को लेकर आएँ। मैंने सोचा अभी चल जाते फिर सुबह को वापस आ जाएंगे। तो अभी मामू जी को मैंने कहा आप मुझे छोड़ें, लेकिन भाई आ गए वीडियो बनाने के लिए। फिर मैंने सोचा जो है ना मैं उनके साथ ही चली जाऊँगी। यहाँ पे अस्सलामुअलैकुम सोनिया तो अपनी नानी को मिल आई, लेकिन मैंने सोचा मैं आज चली जाऊँ, इतने दिनों से मैं नहीं गई ना इसलिए। हाँ वहाँ पे भी कोई हालात नहीं है, यहाँ पे भी गर्मी है, वहाँ पे भी गर्मी है। कल सारा दिन मुझे लगता है आपने मेहनत किया वीडियो की, वीडियो भी बहुत काम चली है ऐसे ना। अच्छा पहले तो स्लो जा रही थी, नहीं नहीं पहले स्लो जा रही थी, बाद में अच्छी चल गई है। शुरू शुरू से तो मैंने कहा पता नहीं आज नहीं चलती ये वीडियो, पता नहीं क्या हो गया। जिस वीडियो पे हम ज्यादा मेहनत करना पता नहीं वो व्यूअर्स को ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। अब इंशाल्लाह लैबा भी रोज वीडियो बनाया करेगी जैसे हम बनाते हैं। तो अमन जो है ना तैयार होगी, इधर आओ। तो इसने तैयारी कर ली है देखिए नानी के घर जाने के लिए। तो इतनी ये खुश थी, 10 बार इसने अपने दादा से पूछा है कि आप हमें छोड़ने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, कल स्कूल ले जाएंगे। और मुजम्मिल भी तैयारी करके आ गया, ये देखिए सब बच्चे तैयार हो चुके हैं। बाकी मैं थोड़ा काम कर रही थी, मैं अभी तैयार हूँ, कपड़े चेंज करूंगी। वैसे क्या तैयारी करनी है, बस कपड़े चेंज करूंगी और चली जाऊंगी अम्मी की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा दिल कह रहा था। तो आपकी भाभी भी बुला रही थी, दो कितने दिन हो गए वो कह रहे थे कि नहीं है। अंबर और भाभी की, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी नहीं आ रही, बस ऐसे ही दिल कर रहा था तो मेरे साथ चले जाए। बस भी जो है वीडियो बनाना देखे जी अलहमदुल्ला इंशाल्लाह। जो है ना आज का पहली वीडियो कितने दिनों के बाद बना रही है, कितने दिनों के बाद आज शुरू कर रही है, क्योंकि चैनल नहीं था ना। तो अभी भी भेजा है इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएगा। हाँ इंशाल्लाह जब भी आएगा तो हम एक पार्टी करेंगे इंशाल्लाह अच्छी सी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है ना। नसीबों वाले जो है ना चैनल वापस आ रहे हैं आजकल, आजकल वापस आ भी नहीं रहे ना। हाँ मोनेटाइज नहीं हो रहे, सबसे बड़ा मसला अभी तक वापस नहीं आ रहा कोई किस्मत वाला जो है ना चैनल जो वापस अभी आ रहा है जी। तो जी मैं तो जा रही हूँ आज अम्मी के घर, आज खाना शाम का इनके जिम्मे लग गया है। तो ये करेले बना रही हूँ, आज आप लोग बना रहे हैं करेले बनाने के लिए, वीडियो बनानी है ना। लैबा जी लैबा वीडियो बना रही है ना, साथ में ये बनाते हैं करेले की रेसिपी, सारे चैनल के साथ क्राइब करा है। हां इंशाल्लाह लैबा नाम से इनका चैनल है। कितने दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो इंशाल्लाह आप सब बहन भी नया इनके चैनल पर जरूर जाना है। वो कहते हैं ना कि व्यूज बहुत कम हो गए, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि हम वीडियो तो शुरू कर दे, चैनल तो जब आएगा आएगा। हां जी आज ये रेसिपी बना रहे हैं जी। तो करेले की रेसिपी बहुत बहुत अच्छी बनती है ऐसे जी, बिल्कुल हां बहुत मजे की बनती है जी। तो अभी तैयारी कर ले तो फिर जल्दी जल्दी चलें, फिर चलते हैं, क्योंकि अभी तक अम्मी को मैंने बताया भी नहीं, ये ना हो कि यहाँ पे खाना खा ले वहाँ भी मैं ऐसे भूखे रह जाऊं। नहीं नहीं खाना बहुत है उधर, खाना ना खाओ होता ही। तो अभी चलते हैं कपड़े चेंज करके उसके बाद चलते हैं। कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ शाम मोरी लेट हो रहा है। मैंने सोच रही थी सोच मेरी वीडियो में आएगी भाभी, तो ये तो बहुत ज्यादा जल्दी है जाने की। नहीं नहीं बना तो तैयारी शेयर कर लिया, तो अभी चल चल चलने की तैयारी होगी ना। ये एक मुजम्मिल का सूट मैंने लिया है, क्योंकि बच्चा है ना खेलता है वहाँ कपड़े खराब कर लेता है इसलिए। तो आज नानी के घर जो है ना जा रहा है मुजम्मिल भी, तो आज हम जा रहे हैं, शादी पर गए थे फिर आज जा रहे हैं। अच्छा सारे तैयार हो गए तो जा रहे हैं ये लोग, अब हम क्या कह सकते हैं। तो आज खाना हमें खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं फिर आए, तो मेरी वीडियो में तो थोड़ी सी आए, चलो आपकी वीडियो भी बना लेते हैं इधर से थोड़ी सी। टॉपिक नहीं मिलते आजकल कोई भी, हां जी बहुत ज्यादा तंग आ गए, क्या करें। अगर हमारे बस में हो ना हम एक मिनट के लिए जो ना छुट्टी ले ले YouTube वालों से, कहीं ऐसे मुल्क में चले जाए जहाँ पर वीडियो अच्छी अच्छी बन जाए। बुलाने के लिए तो बहुत से लोग कहते हैं कि आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। फिर ऊपर से गर्मियां भी आ गई है, कल की थी पिंडी से, तो उसने क्या है की वहाँ पे पहाड़ इतनी अच्छी अच्छी जगह है, आप वहाँ पर आओ वीडियो बनाओ। यही मसला है ना, हम जा नहीं, पिंडी कौन जाए फिर, इतना दूर है ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा है। हाँ उधर मौसम सही होता है आपके, हमारे पास इधर जो ना गर्मी है ना, मौसम कुछ अच्छा हो जाए ना चलेंगे। उधर अभी भी जो ना सर्दी है, गर्मी नहीं है उधर। हाँ, सही कह रहे हैं, इस्लामाबाद उस साइड पर सर्दी होती है ना, लेकिन ये गर्मियाँ जब आ गई है अब गर्मियों में तो कहीं भी नहीं जा सकेंगे, सर्दियों में फिर भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो लैबा भी आ गई है माशाल्लाह, आज पहली वीडियो कितने दिनों के बाद बना रही है। तो आपने इनके चैनल पर जरूर जाना है, लैबा के चैनल पर। हाँ जी तो आज से इसकी जो है ना वीडियो रेगुलर आएगी इंशाल्लाह। ना अच्छी बात है, हर रोज एक वीडियो जरूर बनाना। तो अभी चलें, अभी मैं अम्मी के घर पहुंच चुकी हूँ और बच्चे यही बाहर से उतर गए हैं खेलने के लिए, पीछे सानिया और अंबर उनका इंतजार कर रही थी, वो खेलने के लिए चले गए। अभी मैं अंदर चलती हूँ, चल के देखते हैं भाभी और अम्मी क्या कर रहे हैं।
तो हुसैन को देखे जी अंदर खेल रहा था। अम्मी कहाँ है? सालन बना रही है। सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम कहो। अस्सलाम वालेकुम। बाय नहीं करना, सलाम करना है। हाँ ये ठीक है, ठीक हो? तो सानिया भी इधर आई हुई है, सारे इधर ही है आज। आज तो सानिया खुश होगी, इतने दिनों से जो है ना मुझे तंग कर रही थी, हर रोज कॉल करती थी कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे जी। तो अभी जो है ना हमारे पास फूफा आई हुई है, तो बहुत ही आज मजा आ रहा है हमें। तो अम्मी अभी सालन बना रही है। आपकी दादी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? दादी पता नहीं किधर है, वो आपके घर तो नहीं चली गई? हाँ उधर ही गई होंगी। हाँ वो साथ में है ना, तो अक्सर अम्मी यहाँ पे जाती रहती है, तो चलते भाभी के पास। तो जी मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते असल में इधर सोने के साथ वीडियो बनाई, फिर अपनी वहाँ से बनाई, तो मुझे टाइम काफ़ी हो गया। फिर देखिए मगरिब का टाइम हो रहा है और यहाँ का माहौल मगरिब के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भाभी जान किचन में बना रही है सालन, पता नहीं क्या बना रही है, चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आज तो सबरा कितने दिनों के बाद मेरे पास आई है, अभी आ रही है, वीडियो भी बना रही है और मेरे साथ आकर बैठ गई है। नहीं आपने जिनको कॉल किया पहले से? नहीं अभी अभी आ रही है। कैसी हो? कॉल की थी ना मैंने, सब बच्चे ठीक है, घर वाले ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बच्चे बाहर खेलने लगे। पहले तो बताती है आप मुझे, आज मैंने तो सब्जी बनाई है, गोश्त लेकर रखती है, हम रात को कुछ मंगवा लेंगे। हाँ ठीक है, मटन बनाया मंगवा लेंगे। तो जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद आई हूँ, लेकिन अभी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई है, उनसे भी मिलेंगे, तो आज रात मैं यहीं से रुकूंगी। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं एक गरीब फैमिली में सपोर्ट कर रही हूँ, सबकी वीडियो बना रही हूँ अपने चैनल पर, हर किसी की बना रही हूँ, तो आपने मेरा फुल सपोर्ट करनी है और फुल साथ देना है, मैं उन तक पहुँचूँ और उनकी वीडियो बनाऊँ और कामयाब भी हूँ। जी बिल्कुल, जो है ना भाभी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और भाभी जी की मैंने जितनी भी वीडियो देखे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह से नीचे कमेंट्स में जो पड़े हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको जो है ना सपोर्ट किया है, तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों ने इनकी सपोर्ट इस तरह से जारी रखी है। यहाँ के जो हमारी बस्ती के लोग हैं, सब तकरीबन दिन में तीन तीन चार चार लोग हैं, वो कहते हैं हमारी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करें, ताकि आप लोग उनके हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बात कहना चाहूँगी कि मैं जो सपोर्ट कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह उनका काम भी हो रहा है और मैं जल्द ही जल्द वीडियो में भी शेयर करूँगी उनका। एक का तो गरीब फैमिली थी, उनकी मैंने वीडियो बनाई थी, उनका इंशाल्लाह इंशाल्लाह घर का काम मुकम्मल हो रहा है, और उनकी वॉशरूम भी बन चुकी है, और जो है ना कमरा उनका कमरा भी बन रहा है। और तो आप सब बहन भाइयों ने मेरी फुल सपोर्ट करनी है, मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं इस काम में कामयाब हूँ, और मेरा बहुत ज्यादा साथ देना है आपने। और आप लोग ये देखें ना कि जो जिन लोगों के घरों मतलब जिनकी छतें नहीं है घर की, जो ऐसे ही बाहर बैठे झोपड़ों में, अगर उनकी हेल्प हो जाएगी तो आप लोगों को इससे कितना स्वाब होगा। चैनल का नाम है सानिया फैमिली व्लॉग, तो चैनल का नाम भी आज मैं ले रही हूँ, तो आपने मेरी फुल सपोर्ट करनी है। तो यही बात होती है ना कि अगर हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचे ना, तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होता है। तो आप लोगों ने इसी तरह से बिल्कुल आगे भी साथ देना है, सबका सबकी सपोर्ट करनी है। आप सालन बनाए, मैं थोड़ा बाहर का भी दिखा लेती हूँ। ठीक है, तो जी मैं बाहर आई हूँ, तो अबू जी अभी जो है घास काट के देखे ले आए हैं, कितना प्यारा घास है। तो ये सुबह के लिए हमारे गांव का रिवाज है, शाम के टाइम में सुबह के लिए घास बना के रखते हैं, जिस तरह हम बना के रखते हैं। तो अभी हम आपको चल के दिखाते हैं जो कि भाई जी के घर में जो अनार लगे हुए ना, उन पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो जी मैं बाहर आ गई हूँ, अब सामने आपको दिखाते हैं, ये देखेंगे कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, फूल नहीं बल्कि आपको अनार बन गए हैं, ये देखें अभी बन रहे हैं, दे रहे हैं, ये देखें ये छोटे छोटे बन गए हैं, कुछ फूल निकले हुए, इतने ज़्यादा इसका अनार लगते हैं और बिल्कुल रेड कलर के होते हैं, मीठे बहुत ही मज़ेदार। और ये है कि यहाँ से जो बच्चे हैं ना ज़्यादा तोड़ते भी नहीं हैं, इसलिए मोटे मोटे अनार हो जाते हैं, तो जब बड़े फिर खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में तो गन्ना की कटाई शुरू हो चुकी है, लेकिन लगता है यहाँ पर अभी नहीं शुरू हुई है, तो कुछ दिनों में यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। और इतना ज़्यादा मच्छर होते हैं, दो तीन दिन से लाइट भी बहुत ज़्यादा मसला कर रही है, पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा तंगी हो रही है। एक तो लो इतनी दिन को होती है ना बहुत गर्म, और कुछ ये देखिए नीचे लगता है बच्चों ने तोड़ के फेंक दिए हैं फूल। रात हो रही है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, मैं बाहर तो सुबह से लेकर अभी लाइट आई है, सुबह से अभी लाइट आई है, तो मैं बाहर थी तो अभी अंदर आई हूँ, तो थोड़ा मेरी दादी को जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो उनकी थोड़ा वो गिरी थी ना, तो उनको दाता तो उनके पास बैठी थी, तो गपशप किया है, तो अभी मैं इधर आई हूँ, तो भाभी जान रोटियाँ बना रही हैं,
रोटियां भी खाते हैं, तो वीडियो का एंड तो कहते हैं और आप सब बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ करते हैं कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें और जिस तरह आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने हमारा इसी तरह से साथ देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।